जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि क्वालिटी तो उतनी बेस्ट हम यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं और कुछ युवा आपको दौड़ते हुए दिखाई भी दे रहे होंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना ज़रूर पता लग जाएगा कि फाइनल के अंदर यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स पास होते हैं, वो यहाँ से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। तो हम आपको काउंटिंग करके बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर अजमेर के अंदर जो अपना कायड़ विश्राम स्थली जो ग्राउंड है, उसमें एआरओ जोधपुर का भर्ती चल रहा है और उसका रनिंग है यहाँ पर अभी चालू है। आपको थोड़ा थोड़ा वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा। यहाँ पर फर्स्ट राउंड है वो कंप्लीट होने वाला है कुछ ही देर में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे कि कितने लड़के हैं वो क्लियर हो रहे हैं, यहाँ पे पास आउट हो रहे हैं। दोस्तों काफ़ी कोशिश के बाद में, काफ़ी मुश्किलों के बाद में यहाँ पर आप लोगों के लिए हम ये वीडियो बना पाते हैं। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी और भी बहुत सारे वीडियो है वो हमारे चैनल पर आपको अजमेर भर्ती से संबंधित मिलते रहेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा देख पा रहे होंगे फर्स्ट लड़का है वो चल रहा है सबसे आगे यहाँ पे। ये सेकंड राउंड है वो स्टार्ट हो गया है। अभी एक मिनट और 30 सेकंड है वो हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो नज़दीक से यहाँ पे लड़के निकल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गेप आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे हो गया है। ये सेकंड राउंड चल रहा है और यहाँ पे जो सबसे पीछे लड़के चल रहे हैं इनको वहाँ से आगे कर्नल साहब आवाज़ लगा रहे हैं कि इनको कट किया जाए। और उस तरफ आप देख पा रहे हो सबसे आगे वाले लड़के कहाँ तक पहुँच गए, आपको इन पेड़ों के बीच में से दिखाई दे रहे होंगे। जितना हो सकता है हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि आर्मी की जो रनिंग होती है उसका वीडियो बनाने की अनुमति नहीं होती है, तो ये थोड़ा दूर से हम बना रहे हैं। बाकी पास आउट लड़कों से भी हम पूरी जानकारी लेंगे कि बेंच में कितने लड़के पास हो रहे हैं, क्या दिन का पूरा प्रोसेस रहने वाला है, उन सब की भी डिटेल आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर मिलने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि भर्तियों से जुड़ा हुआ अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचता रहे। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर तीसरा राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है और सबसे आगे जो लड़का है वो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे। उसके बाद में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ये लड़के आपको यहाँ पर पेड़ों के बीच में से आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और ये फर्स्ट लड़का है यहाँ से गुजर रहा है इस पोल के पास में से। अब पहले और दूसरे लड़के के बीच में कितना गैप आप देख लो, अभी दूसरा लड़का पोल के पास से गुजर रहा है। तो जब इतना ज़्यादा गैप हो जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि बाद में लड़कों की संख्या आगे पास आउट में कम होती है, क्योंकि एक लड़का या दो लड़के जब आगे गैप ज़्यादा दे देते हैं ना तो फिर पीछे वाले लड़कों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट्स अभी भर्ती में आने वाले हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आपका आगे वाले लड़के के साथ में गैप है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि एक बार गैप ज़्यादा हो गया तो उसके बाद में आपका रनिंग पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये 30 राउंड फिनिशिंग की तरफ जा रहा है तीसरा राउंड। और कुछ लड़के आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे जो अपने आप अंदर घुस रहे हैं, जिनसे रनिंग नहीं हो पा रहा है। और जैसे ही चौथा राउंड स्टार्ट होगा हम आपको क्लियर इसके बारे में जानकारी देंगे। वीडियो के अंदर हो सकता है आपको थोड़ा कुछ कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमें यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बोल के बताता रहूँगा कि कितने लड़के पास हुए हैं और कितना टाइम यहाँ पर मिल रहा है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि ये वीडियो स्टार्ट करने में थोड़ा सा मैं 5-6 सेकेंड लेट हो गया था, तो आप लोग टाइम को देख कर वैसे घबराना मत कि टाइम बहुत कम दिया है। ये फर्स्ट वाला लड़का देख रहा है इसके पीछे सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, 3 लड़के काफ़ी गैप के साथ में चल रहे हैं, उसके बाद में 4, 5, 6, 7 ये 4 लड़के फिर ग्रुप में चल रहे हैं। तो इस बेंच में मैं आपको बता देता हूँ कि स्थिति काफ़ी ख़राब रहेगी, क्योंकि पीछे वाले लड़कों का जो भीड़ है वो बहुत पीछे है और आगे वाला लड़का इस पोल के पास में आप लोग देखना यहाँ से गुजर रहा है। ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इसके बाद में 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 13 14 15। अब ये इतने ही लड़कों को शायद आगे पास आउट करेंगे, क्योंकि अभी पीछे गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। और लास्ट में कितने लड़के पास करते हैं वो भी मैं आपको काउंटिंग करके इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ।
22 नंबर पर आगे भी हो गया। और अभी है वो कंप्लीट होने वाला है वहाँ पे। देखते हैं कितने लड़के यहाँ पर पास होते हैं। अभी तक दिखाई नहीं दिए लड़के। खड़े हो बढ़ रही है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 अंदर। मैं आपको बता देता हूँ कि इस बेंच के अंदर भी लगभग 25 से 26 लड़के हैं वो पास हुए हैं, क्योंकि जहाँ पर रस्सा खींचते हैं वहाँ पे थोड़ा सा क्या है दिखने में प्रॉब्लम होती है। और टाइम दे दिया मैं आपको बता देता हूँ लगभग 5 मिनट और 40 सेकंड से भी ज़्यादा, तो टाइम यहाँ पे पूरा दे रहे हैं। तो आप लोग कंटिन्यू अपनी तैयारी रखिए और बहुत ही बढ़िया टाइम यहाँ पर मिल रहा है। इस बार जो अपनी टीम है आर्मी वाले जो सीनियर ऑफिसर्स है वो बहुत ही बेस्ट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।